के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आज। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको उन पांच बावरी वीरों की अमर कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी ऐसे चमत्कार दिखाए जिनके कारण आज वो पूजनीय हैं। ये पांचों बावरी वीर मां काली से 64 योगिनी व गोगाजी महाराज से 56 कलवे प्राप्त कर अमर हो गए। आज इन पांचों बावरी वीरों की मूर्थल धाम, सफीदों धाम व पवित्र गोगा मेड़ी धाम पर गोगा जी के साथ पूजा होती है। बात सैकड़ों वर्षों पूर्व की है, जब राजस्थान की खरकड़ी नामक नगरी में 989 बावरी परिवारों का विशाल कबीला संयुक्त रूप से रहता था। कबीले के राजा हेमराज बावरी थे। राजा हेमराज बावरी वीर, न्यायप्रिय व सदा दूसरों की भलाई करने वाले शासक थे। लेकिन कोई संतान न होने की वजह से वो हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। कुछ समय से इनकी यह चिंता और भी बढ़ गई थी। महाराज, क्या बात है, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप बहुत उदास रहने लगे हो। ऐसी कौन सी बात है महाराज जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है रानी, हम तो बस यूं ही। नहीं महाराज, कुछ तो है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। लेकिन महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि इस समय आप बहुत दुखी हैं। हाँ रानी कपूरी, हम दुखी हैं और हमारे दुखी होने का कारण हमारा संतानहीन होना है। आज हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, हमारी नगरी भी बहुत सुखी है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हमें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। शायद पिछले जन्म में हमने कोई पाप कर्म किया था जिसकी सजा भगवान हमें इस जन्म में दे रहा है। नहीं महाराज, इस तरह की बातें सोचकर अपने मन को और दुखी ना करें। समय हमेशा एक समान नहीं रहता। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो हो सकता है कि आने वाला कल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। रानी कपूरी, आप किस आने वाले कल की बात कह रही हैं? इस कल के इंतजार में तो हमारी आंखें भी थक गई हैं। महाराज, मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है, भगवान शिव एक न एक दिन हमारी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। हमें भी संतान सुख की प्राप्ति होगी महाराज, जरूर होगी। रानी कपूरी, इस तरह की बातों से कुछ समय के लिए तो मन को तसल्ली मिलती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है।
आप इतने वर्षों से भगवान शिव की पूजा कर रही हैं, क्या उन्होंने सुनी तुम्हारी फरियाद? नहीं ना, और अब भी तुम ये कह रही हो? महाराज, भगवान शिव हमारी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है रानी, जो होगा देखा जाएगा, अब सो जाओ। नारायण नारायण, ये रानी कपूरी, दुखी ना हो, तुम्हारे दुखों का अब अंत होने वाला है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और उनके आदेश से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे रानी कपूरी, कुछ समय पश्चात तुम्हारी नगरी के ढाक बंगाले में इस्माइल जोगी आएंगे, जो तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे तथा उन्हीं के आशीर्वाद से ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। नारायण नारायण। हाँ? क्या हुआ रानी, तुम इस तरह चौंक कर क्यों उठी? क्या तुमने कोई स्वप्न देखा? हाँ हाँ स्वामी, मैंने स्वप्न में साक्षात नारद जी को देखा। महाराज, भगवान शिव मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, हमें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी महाराज। ये तुम क्या कह रही हो रानी, क्या ये सत्य है? जी हाँ स्वामी, ये सत्य है। कुछ समय पश्चात अपनी नगरी के डाक बंगाले में इस्माइल जोगी आएंगे और उनके आशीर्वाद से ही हमें संतान प्राप्ति होगी स्वामी। क्या इसका अर्थ भोलेनाथ ने हमारी सुन ली? जी हाँ स्वामी, ये सब नारद जी ने मुझे स्वप्न में बताया है। हे भोलेनाथ, आपकी सदा जय हो। रानी, शायद तुम ठीक ही कहती थी कि उनके घर देर है, अंधेर नहीं। महाराज, मुझे तो बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है कि कब बाबा इस्माइल जोगी के चरण हमारी नगरी में पड़े और नारद जी का कथन सत्य हो। तुम चिंता ना करो महारानी, सब काम अपने समय वे विधि के अनुसार होते हैं। जब इसका समय आएगा तो बाबा इस्माइल जोगी हमारी नगरी में अवश्य पधारेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। समाधि त्यागो ऋषिवर। देव ऋषि नारद जी के चरणों में इस्माइल जोगी का प्रणाम। हे देव ऋषि, आज हम आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप आदेश करें कि किस उद्देश्य से हमारे पास आना हुआ है। हे योगीराज, मैं भगवान शिव के आदेश से एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान भोलेनाथ के आदेश के आगे आशा व उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज मैंने जो ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त की है, ये सब भोलेनाथ जी की कृपा है। आप अति शीघ्र बतलाएं नारद जी मेरे लिए क्या आदेश है। नारायण नारायण। हे योगीराज, यहाँ से कुछ दूरी पर खरकड़ी नामक नगरी है, जहाँ के राजा हेमराज बावरी की रानी कपूरी संतान प्राप्ति के लिए
कई वर्षों से भगवान शिव की पूजा कर रही है और भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अतः हे योगीराज, अब आप वहां पहुंचकर रानी कपूरी को संतान प्राप्ति का वरदान दे। ये शुभ कार्य आपके द्वारा ही होना लिखा है। हे देव ऋषि, आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ जो इस शुभ कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे चुना है। लेकिन क्या योगीराज? हे देव ऋषि, मेरे मन में कुछ संशय है, कृपया आप इसे भी दूर करें। नारायण नारायण, किस बात का संशय योगीराज? हे नारद जी, आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि रानी कपूरी के भाग्य में कितने पुत्रों का योग है? हे योगीराज, रानी कपूरी के भाग्य में 5 पुत्रों व 1 पुत्री का योग है। ये 5 बावरी वीर अपने अच्छे आचरण व चमत्कारों से जग में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार द्वापर युग में 5 पांडव ने अपने धर्म कर्म पर चलकर ख्याति प्राप्त की थी, उसी प्रकार ये 5 बावरी वीर जग कल्याण में अपना जीवन व्यतीत कर कलयुग के पांडव कहलाएंगे। अतः हे योगीराज, अब आप बिना विलंब किए यथाशीघ्र पहुंचकर इस शुभ कार्य को पूर्ण करें, यही भोलेनाथ की इच्छा है। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा मुनिश्रेष्ठ, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। हे मेरे शिष्यों, हमें अभी खरकड़ी नगरी के लिए प्रस्थान करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मेरे प्रिय शिष्यों, हम खरकड़ी नगरी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, अतः हम यहीं पर अपनी समाधि लगाएंगे। हे योगीराज प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। हे योगीराज, मैं आप सबका परिचय जानना चाहता हूँ। सैनिक, हम साधु संतों का क्या परिचय होता है और तुम कौन होते हो हमसे हमारा परिचय पूछने वाले? अक्षमा करें योगीराज, मुझे गलत न समझें, मैं विवश हूँ, क्योंकि हमारे राजा हेमराज बावरी ने ये आदेश जारी कर रखे हैं कि नगरी के ढाक बंगाले में कोई भी साधु संत दिखाई दे उसकी सूचना तुरंत राजमहल में दी जाए। तो ठीक है सैनिक, तुम राजमहल में ये सूचना दो कि ढाक बंगाले में इस्माइल जोगी पधारे हैं। जो आज्ञा योगीराज। Thank you.
महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। क्या बात है सैनिक, क्या समाचार लेकर आए हो? महारानी जी, हमारी नगरी के डाक बंगाले में कुछ साधु पधारे हैं। क्या? जी हाँ महारानी, उस महातेजस्वी साधु ने अपना नाम इस्माइल जोगी बताया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? बाबा इस्माइल जोगी हमारी नगरी में पधारे हैं? ठीक है सैनिक, तुम जाओ। हे भगवान, लगता है मेरा स्वप्न अब सच होने वाला है। मैं बाबा इस्माइल को स्वयं भोजन कराने जाऊंगी। प्रणाम योगीराज। हे योगीराज, भोजन ग्रहण करें। क्या बात है माई, तुम्हारे चेहरे से प्रसन्नता व दुख दोनों के भाव झलक रहे हैं। ऐसा कौन सा दुख है माता जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बताओ माई। माता, गुरु इस्माइल जोगी तुम्हारे सब कष्टों का निवारण कर देंगे। बाबा।
शंकर जटाधारी, जो चाहे वो कर दिखला दे साधु और तपधारी, सुने तुम्हारे तीर हमेशा वो शिव शंकर जटाधारी, बाबा शिव शंकर जटाधारी, योगी शिव शंकर जटाधारी, मैं की आई शरण तुम्हारी करो मेरा कल्याण, बनू मैं जननी माता मुझे तुम ऐसा दो वरदान, जननी माता मुझे तुम ऐसा दो वरदान। आपको ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण आंसुओं का अथाह समुद्र आपकी आंखों से उमड़ रहा है? हे योगीराज, मैं इस खरकड़ी नगरी के राजा हेमराज बावरी की रानी कपूरी हूँ। महाराज, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ महाराज। धैर्य धैर्य रखो माता, हमें आपके विषय में सब कुछ ज्ञात है कि आपकी कोई संतान नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से आप भगवान शिव की कठोर भक्ति कर रही हैं। जी हाँ महाराज, ये सत्य है। और एक रात मेरे स्वप्न में देव ऋषि नारद जी आए थे, उन्होंने आपके द्वारा ही मेरा उद्धार होना बताया था। जी हाँ देवी, हम भगवान शिव के आदेश व नारद जी के कहने पर ही यहाँ पधारे हैं। हम अभी आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं और आपको एक पुत्र रत्न प्रदान करते हैं। हे देवी, अपने दोनों हाथ आगे करो। हे माता, आज से ये पुत्र तुम्हारा है, तुम्हें ही इसका लालन पालन करना है। हाँ? नहीं महाराज, मुझे इस तरह से पुत्र नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ देवी? पुत्र प्राप्ति के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों? हे योगीराज, एक औरत को पुत्र प्राप्ति की खुशी तभी होती है जब वह उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और एक एक दिन बिताकर उसके जन्म का इंतजार करती है। महाराज, अगर ये पुत्र मेरे कोख से जन्म लेता तो इसके प्रति मेरी ममता उमड़ती। इस तरह से तो मैं इसे सच्चा माँ का प्यार भी नहीं दे पाऊंगी। ठीक है देवी, तो ये लो। अब तुम्हारी कोख से एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म होगा। क्या? हाँ देवी, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि तुम्हारे जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा तुम्हें उसे हमारे धूने पर लाकर चढ़ाना होगा। लेकिन योगी वर, देख लो देवी, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ही हम तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दे सकते हैं। ठीक है योगी वर, मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि मेरे जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे मैं स्वयं आपके धूने पर चढ़ाने आऊंगी। तो ठीक है देवी, हम तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान देते हैं, अब तुम खुशी खुशी महलों में जाओ। प्रणाम योगी वर।
तुम्हारा कल्याण हो देवी। तो इस प्रकार समय बीतते देर नहीं लगती। ठीक 9 महीने पश्चात रानी कपूरी ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। सारी नगरी में खुशियां मनाई जा रही थी। राजा हेमराज बावरी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन रानी कपूरी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रानी कपूरी, रानी कपूरी। जी महाराज। रानी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमेशा अजीब सी उलझन में रहती हैं। नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं रानी, शायद आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। आपके चेहरे के हाव भाव ये स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि ऐसी कोई ना कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। एक तरफ मुझे 2-2 पुत्रों की प्राप्ति की खुशी है, लेकिन जब मैं बाबा इस्माइल जोगी को दिए वचन को याद करती हूँ तो इन खुशियों को ग्रहण लग जाता है। आप कौन से वचन की बात कर रही हैं रानी? महाराज, बाबा इस्माइल ने मुझे 2 पुत्रों का वरदान देने से पहले ये वचन लिया था कि तुम्हारा जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे लाकर मेरे धुने पर चढ़ाना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रानी? जी हाँ महाराज, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने अपनी कोख से 2 पुत्रों को जन्म दिया है और मेरी ममता 2 पुत्रों के लिए समान है। मैं किसी भी पुत्र को नहीं खोना चाहती स्वामी, नहीं खोना चाहती। लेकिन इसका कोई उपाय भी तो नजर नहीं आ रहा रानी। अगर तुमने वचन दिया है तो उसे पूरा तो अवश्य करना होगा। स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम योगीराज को जाकर ये कह दें कि हमें 2 नहीं 1 ही पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी, ये तो असत्य हुआ। लेकिन स्वामी, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। महारानी, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। ये आप मुझ पे छोड़ दे स्वामी। हमें अभी बाबा इस्माइल योगी के पास चलना होगा। चलो रानी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। सदा सुखी रहो राजन। योगी राज, हम आपको दिए वचन के अनुसार इस बच्चे को आपके पास लेकर आए हैं। ठीक है रानी कपूरी, इस बच्चे को धुने के अंदर चढ़ाकर अपना वचन पूरा करो। हे योगी राज, मुझसे ये कर्म नहीं होगा। एक माँ जिस बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, वो माँ अपने पुत्र को किस प्रकार इस जलती अग्नि में डाल सकती है?
मैं ऐसा नहीं कर सकती योगी राज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप चाहे तो मेरे प्राण ले ले, परंतु ऐसा करने का ना कहे, ना कहे। हे देवी, तुम अपने दिए हुए वचन से विमुख हो रही हो। ये बात तुम्हें उस समय क्यों नहीं दिखाई दी जब तुम वचन देकर मुझसे दो पुत्रों का वरदान लेकर गई थी? अपने वचन को पूरा करो रानी, पूरा करो। हे योगीराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये लो बच्चा, आप इसे अपने हाथों से इस अग्नि में डाल दें। नहीं देवी, ये काम तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। सुनो लो पुकार, दुखिया की सुनो लो पुकार। हो योगी बाबा तरस मुझ पे खाके, ममता रखो बरकरार। हो योगी बाबा तरस मुझ पे खाके, दुखिया की सुनो लो पुकार।
जीना तो होगा दुश्वार, जीना तो होगा दुश्वार, हो योगी बाबा इसको गवा के दुखिया की सुन लो पुकार, हो योगी बाबा तरस मुझ पे खा के दुखिया की सुन लो पुकार। राज, शायद होने को यही मंजूर है। देखिए बाबा, किस तरह से जल रहा है मेरा बच्चा। बाबा, मुझे तो केवल एक ही पुत्र प्राप्त हुआ था और उसी को आपने धुने पर चढ़वा दिया। इसे बचाइए बाबा, इसे बचाइए ना। तुम असत्य बोल रही हो देवी, तुम्हें एक नहीं बल्कि दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है, फिर इस बालक में इतना मोह क्यों? महाराज, एक माँ की ममता तो सभी पुत्र के लिए एक समान होती है। तो ठीक है रानी, अगर तुम्हारा इस बच्चे के प्रति इतना प्रेम है तो हम तुम्हारा पुत्र तुम्हें धुने से वापस निकाल कर देते हैं। ये लो माता तुम्हारा पुत्र। ये क्या योगीराज, इसका रंग तो एकदम सांवला हो गया है। जी हाँ देवी, इसका ये रंग मेरे धुने में डालने के कारण हो गया है, अतः आज से इस बालक का नाम शेर सिंह नहीं बल्कि सबल सिंह रखो। इस बालक ने धुने में गिरने से कई अमूल्य शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके अलावा रानी कपूरी, हम तुम्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान और देते हैं। इस बालक का नाम संस्कार तो मैंने कर दिया है, अतः तुम्हारे घर में जो भी ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम तुम हरि सिंह रखना, और अब जो पुत्र जन्म लेंगे उनका नाम तुम केसरमल, जीतमल वे नथमल रखना, और पुत्री का नाम सेढ़ो रखना। ये 5 बावरी वीर जग में बहुत ख्याति प्राप्त करेंगे, वे अपना जीवन जगत कल्याण के लिए बिताएंगे तथा अपने भक्तों के दुखों को दूर कर तुरंत फल देने वाले होंगे। हे योगीराज,
आज आपने ये आशीर्वाद देकर सचमुच ही हमारा जीवन धन्य कर दिया है। योगीराज, आपकी सेवा तो हम 7 जन्मों तक भी करें तो भी कम है। नहीं माता, ये सब तो आपके द्वारा की गई भगवान शिव की भक्ति का फल है। मैंने तो केवल ये वरदान दे विधि के विधान को पूर्ण किया है। अतः हे राजन, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा योगीराज, प्रणाम। प्रणाम। हमारी कृपया सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो। हम बावरी
बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से, हम बावरियों के दम से मिले मुक्ति हर सितम से। खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आर, खाते हैं खाते हैं खाते हैं कसम आर। पिताश्री प्रणाम। आओ मेरे पुत्रों, सचमुच कितने सुंदर लगते हो तुम पांचों एक साथ। बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि तुम पांचों भाई पांचों पांडव की तरह सदा मिलकर रहना, एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष मत उत्पन्न होने देना। पिताश्री, जहां पर देवता समान पिता हो, देवी तुल्य माता हो, भाई हरि सिंह जैसा बड़ा भाई हो और भाई के सरमल जीतमल व नथमल जैसे छोटे भाई हों, तो वहां पर ईर्ष्या द्वेष कैसे उत्पन्न हो सकता है। जी पिताश्री, भाई सबल सिंह का कहना सत्य है, हम पांचों भाइयों में एक दूसरे के प्रति इस कदर प्रेम है कि पल भर के लिए हम अलग नहीं हो सकते। भ्राता हरि सिंह वह भाई सबल सिंह, इसी तरह महल के बाहर ही प्रेम की बौछारे करते रहोगे या अंदर चलकर माता से भी मिलोगे? आपका कहना उचित है भैया के सरमल, बड़े भैया तो जहां से मैं मिलता है वहीं पर शुरू हो जाते हैं। क्यों भैया सबल सिंह, शुरू क्यों ना हो, हमसे प्यार जो इतना करते हैं। अच्छा पुत्र नथमल, अब तुम सब उपहास करना बंद करो और जाकर अपनी माता से शीघ्र मिल लो, वो तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है।
जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बेटा हरि सिंह, तुम ठहरो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी पिताश्री, कहिए क्या बात है। बेटा हरि सिंह, तुम्हें तो पता ही है कि एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को दिन रात प्रजा के मध्य रहना पड़ता है, और प्रजा की सेवा करना ही राजा का परम धर्म होता है। जी पिताश्री। बेटा, हम भी अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, और अब हमारी राजकाज चलाने की बजाय भगवान की भक्ति करने की आयु है। क्योंकि पुत्र, तुम पांचों भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। पिताश्री, लेकिन मैं? हाँ पुत्र, हमने ये निर्णय समस्त मंत्रियों व सेना नायकों की सलाह से लिया है, और प्रजा भी तुम्हें अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। पिताश्री, अगर आपने ये निर्णय कर ही लिया है तो हमें आपका ये आदेश स्वीकार है। पुत्र, पुरोहित जी के अनुसार कल का मुहूर्त अति उत्तम है, हम कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। सिंह, आज से तुम इस खरकड़ी नगरी के राजा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम एक सच्चे प्रजापालक के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ। पिताश्री, आपका ये पुत्र हरि सिंह आपको इस बात का वचन देता है कि मैं सदा धर्म कर्म के मार्ग पर चलकर बावरियों का नाम रोशन करूंगा, पर जाहिर व जन कल्याण मेरे लिए सर्वोपरि होगा। राजा हरि सिंह बावरी की जय। 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 माता, प्रणाम। प्रणाम माता। आओ पुत्र सबल सिंह, पुत्र केसरमल, आज तुम दोनों इतने प्रसन्न क्यों हो? माता, मैं और भैया केसरमल शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं, तुम दोनों को तो ना सिवाय शिकार के कुछ सूझता ही नहीं, नहीं जाना आज। माता, शिकार खेलना तो हम राजा महाराजाओं की शान है, जाने दो ना माता। राजा महाराजाओं की शिकार खेलने के साथ साथ प्रजा की सेवा करने में भी शान होती है। माता, उसके लिए हमारे बड़े भैया हरि सिंह है ना, और फिर उनसे बढ़कर कौन प्रजापालक हो सकता है। माता, जाने दो ना, हम जल्दी ही वापिस आ जाएंगे। ठीक है, पर हाँ, सूर्यास्त से पहले तुम दोनों को महलों में होना चाहिए। आप तनिक भी चिंता न करें माता, हम संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। प्रणाम।
केसरमल, रुको, वो देखो माता मनसा देवी का मंदिर। चलो पहले माता की पूजा करके आते हैं। नहीं भैया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, पहले हम शिकार करके आते हैं। आते समय माँ मनसा की पूजा अवश्य करेंगे, और वैसे भी बड़े भैया हरि सिंह है ना, सुबह शाम लगे रहते हैं माता की पूजा में। वो तो ठीक है केसरमल, तो फिर ऐसा करो, यहीं से कुछ मांग लो माता से। भैया सबल सिंह, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी बड़े भैया अगर मन में कुछ है तो अवश्य मांगिए माता से। केसरमल, काफी समय हो गया, हमने बब्बर शेर का शिकार नहीं किया, वो भी बिना हथियार के इन भुजाओं से। भैया दिल तो हमारा भी बहुत करता है, परंतु क्या करें, इतना ढूंढने पर भी हमें बब्बर शेर के दर्शन नहीं होते, पता नहीं क्या हुआ। तो ठीक है, आज हम माता मनसा देवी से ये मन्नत मांगते हैं कि हमें आज बब्बर शेर मिल जाए, और इन हाथों से बिना कोई शस्त्र के हम उनका शिकार करें। परंतु भैया सबल सिंह, अगर माता ने आपकी ये मन्नत पूरी नहीं की तो फिर वो मंदिर के ऊपर सोने का कलश देख रहे हो ना, हम इसे मंदिर के ऊपर नहीं रहने देंगे, उतार देंगे हम इसे मंदिर के ऊपर से। चलो ठीक है बड़े भैया, आज देखते हैं माता मनसा देवी आपकी ये मनसा पूर्ण करती है या नहीं। चलो भैया।